बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब तक की बड़ी ख़बर आपको देने जा रहा हूँ इम्तिहानात के मुतालिक, इम्तिहानात मुलतवी होने के मुतालिक। अचानक से जो है बड़ी ख़बर निकल कर सामने आ चुकी है NCOC की तरफ से, वज़रा तालीम की तरफ से बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। ताज़ा ख़बर तमाम तलबा को देने जा रहा हूँ इम्तिहानात मुलतवी होने के मुतालिक। 9th, 11th और उसके साथ साथ 10th क्लास के इम्तिहानात रहते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी जो है वो न्यूज़ भी चल रही हैं, और उसके साथ साथ आपको मुकम्मल और रियल न्यूज़ देने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले गुजारिश करूँगा आने वाले नए व्यूअर्स से, जो चैनल पर पहली बार आए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आपको बड़ी खबर देने जा रहा हूँ इम्तिहानात की प्रमोशन के मुतालिक, मुलतवी होने के मुतालिक, क्या किन जो है वो वजूहात पर मुलतवी हो जा सकते हैं। तो वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की तरफ से अचानक ये फैसला जो है वो अचानक ये बयान सामने आया है। उनका ये कहना था, एजुकेशन फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का ये कहना था कि NCOC जो इम्तिहानात हैं, सबसे पहले बात सुन लें, आपको बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। उनका ये कहना था कि इम्तिहानात हर सूरत होंगे, NCOC ने अगर ज़ोर दिया कि जो है वो सेहत का मसला है तो इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया जाएगा कुछ देर के लिए, इम्तिहानात हर सूरत जो है वो लिए जाएंगे। ये वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की तरफ से जो है वो सामने बयान सामने आया, ताज़ा तरीन खबर।